Warm welcome investors, my name is Dinesh and you are watching Mr. Kashyap YouTube channel. In today's video we are going to discuss about the ONGC stock price. दोस्तों यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस देखेंगे और साथ के साथ में मार्केट की थोड़ी सी यहाँ पे हम प्रिडिक्शन भी करेंगे कि कल की डेट में मार्केट का मूव किस तरफ रहने वाला है, क्या आपको पोजीशन बाय साइड के लिए बनानी चाहिए या फिर सेलिंग साइड का सेटअप फाइंड आउट करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज अगर बात करें 27 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा गैप अप नज़र आया, और अगर बात करें मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, बिल्कुल तरीके से मार्केट पूरी अच्छी तरीके से काम किया, मार्केट के अंदर इतनी अच्छी बाइंग आई हुई थी और मार्केट ने उसी लेवल के अंदर आगे कंटिन्यू परफॉर्मेंस दिखाई ONGC के स्टॉक ने। यहाँ पर अगर बात करें 22 तारीख से लेकर के अगर आप देखेंगे ना, मार्केट इस तरीके से कर रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 24 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, बाइंग साइड का सेटअप फाइंड आउट हुआ, फिर उसके बाद में मार्केट में क्लोज हो गया और सैटरडे और संडे बीच में आया, और जब 27 तारीख को आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट के अंदर थोड़ी सी सेलिंग ज़रूर आई थी लेकिन मार्केट कॉन्टिन्यूशन में गया और उसके बाद में ये चार्ट मार्केट ने बनाया। अच्छा, इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ना, इस वाले लेवल को अगर आपने देखा होगा ना तो आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है। एक ये लेवल आप देखें, एक बार आया, फिर दूसरी बार यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर तीसरी बार रीटेस्ट किया, चौथी बार रीटेस्ट किया और पांचवी बार दोबारा से मार्केट रीटेस्ट कर रहा था। अच्छा दोस्तों, ये मैं जो देख रहा हूँ ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा अच्छी तरीके से, ये 2 बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार और ये 5वीं बार। अब मार्केट कर क्या सकता है, कल की डेट में अगर मार्केट की अगर प्रिडिक्शन लगाने की कोशिश करें कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप होता है तो यहाँ पे मार्केट के अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। इस वाले लेवल को आप कभी भी भूल नहीं सकते, इस वाले लेवल पे मार्केट यहाँ तक आएगा, रीटेस्ट करके वापस भी जा सकता है। बाकी अभी के अगर चार्ट की अगर बात करूँ तो ये चार्ट है ना, ये पोजीशन बनाने के लिए जो CE की पोजीशन है यानी कि कॉल साइड की पोजीशन बनाने का चार्ट है, और कॉल साइड में ही हमें जाना चाहिए कल की डेट में जब मार्केट ओपन होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी मिल सकती है। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं ये वाला जो लेवल मैंने डिस्कस किया है, ये वाला लेवल आप ज़रूर से याद रखिएगा। और मार्केट की जो मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, पर डे मार्केट कितना मूव कर रहा है, मार्केट 20 पॉइंट से लेकर के 30 पॉइंट की मूवमेंट ही दिखाता है, इससे ज़्यादा मूव नहीं होता। तो जो भी आपके टारगेट्स हैं और जो भी आपके स्टॉप लॉसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली आप मार्केट के अंदर ट्राई कीजिए। टारगेट कभी भी इससे ज़्यादा मार्केट के अंदर, आपको पहले तो वेयर मिनिमम आप देखिए कि अगर 15 पॉइंट्स में 20 पॉइंट्स में अगर आप निकल रहे हैं तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट हो सकता है, अगर मार्केट के अंदर इससे ज़्यादा अगर रुकेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर से मार्केट के अंदर ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट के अंदर बना हुआ है वो है 150 का एक राउंड नंबर भी है, और साथ के साथ में और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रेजिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो 157 का जो लेवल है या 160 का जो लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट के अंदर काम करता हुआ ये नज़र आ सकता है। ठीक है, इस आज की वीडियो जो मैंने अपलोड करी है अपने चैनल पे, मैंने रिलायंस की वीडियो अपलोड कर दी, टेक महिंद्रा की, SCL की वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के ज़रूर उन वीडियो को देख लीजिए। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।